Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर 2018 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन बन कर आएगा उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करेंगे तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। सभी पीडीएफ फाइल एक साथ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कम्प्लीट करंट अफेयर का कोर्स मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस मैदान में शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप शुरू हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। ये शुरू हुआ है भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में। भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी, यानी भुवनेश्वर में के कालिंगा स्टेडियम में शुरू हुआ है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018। तो इस बार पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन हो रहा है इंडिया में, इंडिया के उड़ीसा में। तो हम लोग पुरुष हॉकी टीम से थोड़ा सा और पॉइंट्स जान लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें आसानी होगी एग्ज़ाम में रिवाइज करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। तो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह है कैप्टन, और कोच हैं हरेंद्र सिंह। इन दोनों के नाम तो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए, क्योंकि पुरुष हॉकी विश्व कप हो रहा है इस बार इंडिया में, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। ओके, तो पुरुष हॉकी के कैप्टन हैं मनप्रीत सिंह, कोच हैं हरेंद्र सिंह, और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं हॉकी इंडिया के करंट टाइम पे अध्यक्ष। ठीक है, पुरुष हॉकी विश्व कप हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में, कालिंगा स्टेडियम में। ठीक है, अब भुवनेश्वर आया है, उड़ीसा आया है, तो उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए, यह है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर मैंने बताया ही है। उड़ीसा के करंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन चंद्र पटनायक, और उड़ीसा के करंट टाइम पे गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, तो जब भी उड़ीसा आए आप लोग इतनी चीज़ें रिवाइज करके ज़रूर पढ़ा कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत यूनाइटेड किंगडम अभ्यास कोंकण 2018 या कोंकण 18 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास कोंकण 18 या कोंकण 18 का आयोजन हो रहा है गोवा में। ठीक है, गोवा में हो रहा है कोंकण 18 का आयोजन, और ये एक नौसैन्य अभ्यास है। कौन सा सैन्य अभ्यास है? नौसैन्य अभ्यास है ये कोंकण 18, भारत और यूके के बीच में हो रहा है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, अब कोंकण मैंने बताया कि ये नौसैन्य अभ्यास है, तो इसके साथ ही एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि इसकी शुरुआत हुई 2004 से। ठीक है, 2004 से ये समुद्री सैन्य अभ्यास है द्विपक्षीय भारत और यूके के बीच में। ओके, तो अभी हो रहा है ये गोवा में। अब नौसेना आया है, तो नौसेना से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस भारत में मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है। और नौसेना का मुख्यालय क्या आपको पता है? नौसेना का मुख्यालय होता है नई दिल्ली। किसी भी जो तीनों सेनाएं हैं, नौसेना हो चाहे वो वायुसेना हो या फिर थल सेना हो, तीनों का मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नौसेना के करंट टाइम पे अध्यक्ष हैं एडमिरल सुनील लांबा। कौन है? एडमिरल सुनील लांबा हैं नौसेना के अध्यक्ष। तो जब भी नौसेना आए आप लोग इतनी चीज़ें रिवाइज कर लिया कीजिए। एक तो 4 दिसंबर जो कि नौसेना दिवस होता है, दूसरा नौसेना का मुख्यालय, और तीसरा नौसेना के अध्यक्ष। और इसके साथ ही मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तब आप बताएंगे राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ओके, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई पॉइंट आए उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता हो अपने माइंड में रिवाइज जरूर कर लिया करो। अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। ओके, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक करके हमें बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो। तो लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, इस वजह से लाइक करना मत भूला करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने छात्रों को बहुभाषी संपर्क प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने छात्रों को बहुभाषी संपर्क यानी कि मल्टी लैंग्वेज कॉन्टैक्ट को प्रदान करने के लिए भाषा संगम नाम की एक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, भाषा संगम एक पहल है जो कि शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा।
छात्रों को बहुभाषी संपर्क बनाने के लिए। अब बहुभाषी मतलब इनको कई भाषाओं के बारे में बताया जाएगा। कई भाषाओं से मतलब है 22 भाषाओं से, ठीक है। 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इन्हीं 22 भाषाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भाषा संगम नाम की एक पहल लॉन्च की गई। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उसमें जो छात्र छात्राएं होती हैं उनको टीच किया जाएगा और भी लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सक्सेना, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद सक्सेना जी। अब यूपीएससी आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएससी तो आप लोग डेफिनेटली सुने होंगे, जो आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम कराती हैं, कंडक्ट कराती है, वही होती है यूपीएससी संस्था। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सक्सेना। और इससे पहले क्या कौन थे, तो इससे पहले थे राकेश कुमार गुप्ता, ठीक है। इतना तो हो गया यूपीएससी। अब हम लोग बात करते हैं अरविंद सक्सेना के बारे में। अरविंद सक्सेना दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे 65 वर्ष तक, अपनी उम्र के 65 वर्ष तक रहेंगे, और इनका 65 वर्ष पूरा हो रहा है 7 अगस्त 2020 तक को, ठीक है। तो यानी कि ये 7 अगस्त 2020 तक बने रहेंगे यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो हैं करंट टाइम पे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है अरविंद सक्सेना जी से, वो ये कि इससे पहले ये एआरसी के निदेशक रह चुके हैं, एआरसी के डायरेक्टर रह चुके हैं। एआरसी मतलब एविएशन रिसर्च सेंटर। क्या होता है, एविएशन रिसर्च सेंटर, इसके ये इससे पहले ये डायरेक्टर रह चुके हैं। और अगर यूपीएससी में इनकी बात की जाए तो यूपीएससी में एज ए मेंबर ये 2015 में शामिल हुए। कब शामिल हुए, 2015 में एज ए मेंबर यानी एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, और अब वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है, अरविंद सक्सेना, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार मिला या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में पी राजकुमार और विजय वर्मा, इन दोनों को एशियन ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों सही होगा। ओके, अब ये दोनों हैं कौन, तो जो इसमें पी राजकुमार दिख रहे हैं, तो पी राजकुमार हैं दोस्तों कैप्टन, भारतीय सेना के कैप्टन, और विजय वर्मा जो दिख रहे हैं ये हैं भारतीय नौसेना के कमांडर, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के कमांडर हैं विजय वर्मा, और पी राजकुमार हैं भारतीय थल सेना के कैप्टन। इन दोनों ने जो केरल में बाढ़ आई थी, त्रासदी हुई थी, उसके बचाव और राहत कार्य में इन दोनों ने काफ़ी बहादुरी के साथ निस्वार्थ भावना से सेवा की थी, और इसी वजह से इनको मिला है एशियन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड, ठीक है। अच्छा, ये एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड देता कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा भी जा सकता है। तो इसे देता है एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द स्ट्रेट्स टाइम, ठीक है। क्या नाम है, द स्ट्रेट्स टाइम नाम है, वो देती है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। तो द स्ट्रेट्स टाइम, शायद इसके बारे में आप लोग नहीं सुने हो, ये सिंगापुर में है, स्थित है इसका मुख्यालय, तो सिंगापुर द्वारा एक प्रकार से कहें तो सिंगापुर की न्यूज़ एजेंसी द्वारा ये दिया जाता है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, तो इस बार मिला है पी राजकुमार और विजय वर्मा को, उपरोक्त दोनों इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रेंच के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। तो अभी हाल ही में फ्रेंच के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है अजीम प्रेमजी को। किसे, अजीम प्रेमजी को। अजीम प्रेमजी के बारे में अभी मैंने उस दिन बताया था कि विप्रो के ये अध्यक्ष हैं, विप्रो कंपनी आप सुने होंगे, बेंगलुरु में है जिसका मुख्यालय। तो अजीम प्रेमजी को मिला है फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है नाइट ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। क्या नाम है, नाइट ऑफ लीजियन ऑफ ऑनर। अच्छा, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक, इनका फाउंडेशन चलता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, और इसके साथ ही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी चलती है, तो इसी वजह से इनके परोपकारी कार्यों के लिए इनको दिया गया है फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 की मेज़बानी कौन करेगा। तो वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 की मेज़बानी करेगा मुंबई, ठीक है। वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019, इसका आयोजन होना है जनवरी 2019 में। कब होगा, जनवरी 2019 में होना है इसका आयोजन, और इसकी मेज़बानी करेगा मुंबई, यानी कि ये मुंबई में होगा। और इसके आयोजक कौन कौन होंगे, तो इसका आयोजन होना है FICCI, ये जिसे हम लोग फिक्की भी कहते हैं, ठीक है, FICCI और AAI। अभी इन दोनों का फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लोग जान लीजिए कि वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 का विषय क्या है,
क्योंकि इम्पोर्टेंट ये भी है। तो पहले इसको जान लीजिए, इसका विषय रखा गया है फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन। क्या है? फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन, ये है इसका विषय यानी कि सब्जेक्ट रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं फिक्की का। तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मैं स्लोली बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो आराम से, फेडरेशन ऑफ इंडियंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और AAI जो है इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों के सहयोग से और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाएगा मुंबई में। ओके, तो अब हम लोग फिक्की के जो महासचिव हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चिनाय और इसके अध्यक्ष हैं राशेश शाह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिक्की के महासचिव हैं दिलीप चिनाय और अध्यक्ष हैं राशेश शाह। ओके, ये अभी कुछ ही महीनों पहले चेंज हुए थे, तो ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करो। आप लोग के लिए मैं काफ़ी जगहों से पॉइंट्स ढूंढ के लाता हूँ, जो भी पॉइंट आता है उसके बारे में डिटेल में इकट्ठा करता हूँ, स्टोर करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ पूरा वेरीफाई करके, जिससे आपको 100% एक्यूरेट मिल सके जानकारी, और सारी जानकारियाँ आपको एक वीडियो से मिल जाती है। तो इस वजह से आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? तभी हाल ही में भारत ने चीन के साथ स्वच्छता और निरीक्षण आवश्यकताओं पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, किसके साथ ये किए हैं? चाइना के साथ। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि चीन में मछली भोजन और मछली तेल का एक्सपोर्टेशन करने में कैपेबल हो जाएगा ये, ठीक है, इंडिया। तो मछली भोजन और मछली तेल यानी कि फिश फूड और फिश ऑयल का एक्सपोर्ट करेगा इंडिया चाइना में। ओके, अब चाइना आया है तो हम लोग चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में ही होना है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल, और चाइना की संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। चाइना के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। चाइना की मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन। ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी आपको दिख जाए ऑप्शन में तो आप लोग लगा देंगे, रेनमिनबी आ जाए तो रेनमिनबी और युआन आ जाए तो युआन, दोनों एक ही है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रेनमिनबी आ जाए तो रेनमिनबी या फिर युआन आ जाए तो युआन। युआन दरअसल उसी का एक छोटा सा पार्ट होता है, यूनिट होता है रेनमिनबी का, जैसे इंडिया में रुपया और पैसा को ले लें ना। तो अगर रेनमिनबी, वैसे आप मैक्सिमम जगह पर ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं रेनमिनबी, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको युआन देखने को मिलता है तो आप युआन ही लगा देंगे। ठीक है, दोनों ही होती है इसकी मुद्रा करेंसी। कहीं कहीं पर आपको युआन देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको रेनमिनबी देखने को मिलेगा, तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 49वें IFFI के में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता? तो IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है डॉन बॉस को। ठीक है, डॉन बॉस को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड IFFI में। IFFI का 49वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है गोवा में। मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ये काफ़ी चर्चे में रहा है। तो IFFI का फुल फॉर्म रिवाइज़ कर लीजिए फिर से, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसका आयोजन हो रहा है गोवा में। ओके, तो डॉन बॉस को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, तो ये डॉन बॉस जो हैं, इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को, दोनों को 40 लाख रुपये और एक ट्रॉफी और एक मेडल दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये 40 लाख रुपये जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहाँ के इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड में दिया क्या जाता है, तो दिया जाता है 40 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और एक मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NSDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में NSDC के अध्यक्ष चुने गए हैं AM नायक। ठीक है, कौन है? AM नायक चुने गए हैं NSDC के अध्यक्ष। अब ये NSDC क्या होता है? तो NSDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये कौशल विकास के लिए वर्क करती है। 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 2008 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ठीक है, आइए अब बात करते हैं AM नायक जी के बारे में। तो AM नायक जी से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2009 में इनको मिला था तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण।
ठीक है, मैंने कहा तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, पहला है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो ये चार नागरिक पुरस्कार होते हैं भारत में, जिसमें से तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, जो मिला है AM नायक को 2009 में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो AM नायक को चुना गया है NSTC का अध्यक्ष। इससे पहले ये क्या थे? तो इससे पहले लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के ग्रुप के एक अध्यक्ष थे। किसके? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के ग्रुप अध्यक्ष थे ये AM नायक। ओके, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी अभी हाल ही में चर्चे में आई थी जब सरदार पटेल की मूर्ति बनी थी, याद है ना? तो सरदार पटेल की जब स्टेचू ऑफ यूनिटी मूर्ति बनी थी तो उसको बनाया है लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी ने ही, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसी के ग्रुप अध्यक्ष थे AM नायक और अब वर्तमान में है NSDC के अध्यक्ष। NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ओके, तो फिलहाल दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर से बस इतना ही, इतने ही क्वेश्चन आज के दिन से इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और पढ़ने में भी आपको मज़ा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चंस पूछे थे, जैसा कि मैं रोज़ पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन था हौसला 2018 का विषय क्या रखा गया है? तो हौसला 2018 का विषय रखा गया है बाल सुरक्षा, ठीक है, क्या रखा गया है? बाल सुरक्षा। नेक्स्ट मैंने पूछा था हाल ही में भारत के किस राज्य में सड़क अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए ADB के साथ ऋण समझौता हुआ है? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य में सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि रोड रिसर्च सेंटर खोलने के लिए ADB के साथ समझौता हुआ था ऋण पर। तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी लोगों ने डिटेल में लिखा है, तो जिन लोगों ने डिटेल में लिखा है उनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इस बार कि जो लोग रेगुलर कमेंट करते हैं जिनके नाम मैं बताता हूँ, तो उनको तो मैं जान पा रहा हूँ कि वो लोग रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं और जिनके करंट अफेयर में सुधार आया हुआ है जब से वो जुड़े हुए हैं, तो वो लोग आज कमेंट करके बताएं कि कब से वो जुड़े हुए हैं और कितना उनके अंदर सुधार आया है इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो को देखने से। ओके, तो आज आप लोग कमेंट करके बताइए हमें। चलिए देखते हैं अब उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इन क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा है। राहुल कुमार, मनु प्रजापति, सतीश कुशवाहा, चंद्रावती ध्रुवे, बजरंग लाल प्रजापत, रोहित कुमार, विजय यादव, संदीप प्रजापति, अभयराज सिंह, लक्ष्मीकांत मौर्य, सुधीर पटेल, डेविड मिलन, मेमस एजुकेशन, इंद्र कुमार मीना, कुमार रंजीत राजन, बनवारी यादव, नीलेश रावत, बंटी पटेल, साइन जो, राजेश शर्मा, ममता रानी, श्यान प्रभा पुस्ती। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है इस क्वेश्चन के बारे में। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको जो भी चीज़ मालूम हो, जो भी पॉइंट मालूम हो, आप लोग एक्सप्लेन करके ज़रूर लिखा करो। अगर आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखोगे माइंड में वो चीज़ें रन करेंगी, और अगर आपके एक बार माइंड में रन करने लगी चीज़ें, पॉइंट्स रन करने लगे, तो जल्दी आपसे नहीं भूलेगा वो। तो इस वजह से डिटेल में आप लोग जरूर लिखने का प्रयास किया करो। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं? तो आपको कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं इसके बारे में बताना है, और इसके साथ ही कौन कौन सी हैं, उनके फुल फॉर्म क्या हैं, सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट मैंने पूछा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से शुरू होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कब से होना है इसको आपको बताना है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से आंसर कीजिए और डिटेल में लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।